हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड, आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह 2 साल पुराने मैंगो के एक रूट स्टॉक प्लांट पे 4 डिफरेंट तरीके से 8 डिफरेंट वैरायटी ग्राफ्ट करने वाले हैं और उसी का तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप अपने मैंगो प्लांट पर आसानी से ग्राफ्टिंग करके अपनी मनपसंद वैरायटी अपने गार्डन में उगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल पे कोई कमेंट नहीं करते। तो किसी भी तरह की कोई जानकारी जो आप जानना चाहते हैं उसके विषय में कमेंट जरूर करें, और वीडियो पे यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। तो देखिए, 2 साल पुराना मैंगो का रूट स्टॉक प्लांट है। इसका ऊपरी हिस्सा मैंने काट दिया था ताकि इसका तना मोटा हो जाए और आगे चल के हम इस पर मल्टीपल ग्राफ्टिंग कर पाएँ। तो आज हम 4 अलग अलग तरीक़ों से 8 अलग वैरायटी इस पौधे पर ग्राफ्ट करने वाले हैं। तो देखिए, यह 2 साल पुराना प्लांट है और इसी पर आज हम ग्राफ्टिंग करेंगे। देखिए, 8 अलग अलग वैरायटी की साइन हमने यानी कि कलम प्रिपेयर कर ली है। साइन हमेशा ना तो ज़्यादा नई होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पुरानी। इसके लिए जो टूल्स यानी कि ग्राफ्टिंग नाइफ आप उपयोग करें वह तेज़ धार वाला होना चाहिए, इसमें आपकी ग्राफ्टिंग के सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पहली ग्राफ्टिंग हम यहाँ नीचे करेंगे और इसी तरह ऊपर फिर अन्य ग्राफ्टिंग करेंगे, और वीडियो पर आप बने रहें ताकि आसानी से और पूरी विधि आप ग्राफ्टिंग की समझ पाएँ और आसानी से जो ग्राफ्टिंग अभी फर्स्ट में करने वाला हूं उसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसका अपडेट पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी इस पर हम 2 सेम टेक्निक से आगे और पीछे साइड पे ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो एक चाप आपको ऊपर से नीचे की ओर इस तरह लगभग 1 से 1.5 इंच का लगाना है। तो वीडियो आप ध्यान से देखें, मैं अच्छे तरीके से और सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी आसानी से इस तरह की ग्राफ्टिंग कर पाएँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर 4 टेक्निक्स इसमें ग्राफ्टिंग की बताई गई हैं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। देखिए, इस तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट कट लगाया है सेम टेक्निक से हम दूसरा कट भी इस पर लगाएंगे। देखिए, इसकी छाल हमने उतार ली है, थोड़ा सा कट के ऊपर हमने इसको निकाल लिया है। अब यहीं पे हम अपनी ग्राफ्टिंग साइन यानी कि कलम फिट करेंगे। किस प्रकार फिट करना है वह भी आप देखें। तो जो छाल हमने नीचे के हिस्से की छोड़ रखी है वहीं पे आके हमारी साइन फिट होगी। तो 2 साइड में हमें ये ग्राफ्टिंग करनी है, इसलिए हमने दोनों साइड इसको छाल छोड़ रखी है। अब आइए हम इसकी कलम यानी कि जो साइन हम लिए है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो निचला हिस्सा बिल्कुल प्लेन कर लेना है आपको, इस तरह से देखिए, चाकू या ग्राफ्टिंग नाइफ की सहायता से, और फिर उसे छीलना है। नाप के बिल्कुल आपको इसे छीलना है ताकि कोई भी पार्ट ज़्यादा खुला ना रह पाए जहाँ पर हम इसकी छिलाई कर रहे हैं। तो देखिए, हाफ वी कट हमें खुले हुए पार्ट में फंगस इत्यादि लग सकता है, इसलिए बिल्कुल नाप के हमें इसे छीलना है। देखिए इस तरह से, और लगभग जितना कट हमने रूट स्टॉक पे लगाया है उतना ही साइन पे। निचला हिस्सा जो हमें नीचे फंसाना है, जो छाल हमने छोड़ रखी है कट पॉइंट पे, वहाँ पर इतना सा हमें छीलना है। जितना हमने नीचे छोड़ा है उतना ही, इसे आप थोड़ा अंदाजे से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, दूसरी साइन भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे चूँकि हमें इसे फंसाना है तो पिछला हिस्सा जो छीलेंगे वह इसी के नाप का हमें छीलना है। ये देखिए इस तरह, और फिर दोनों साइड से आप एक साइड या 2 साइड जैसी भी ग्राफ्टिंग करना चाहें। अभी हम यहाँ पर 2 अलग वैरायटी और एक साथ में ज्वाइंट कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों साइड से इसको फंसा लिया है। देखिए इस तरह से,
और हर बार ग्राफ्टिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रूट स्टॉक और साइन की छाल एक साइड से मिलनी चाहिए। कलम का साइज मोटा या पतला हो सकता है, मगर छाल आपको दोनों साइड से, देखिए इधर से और दूसरी कलम जो लगाई हुई है इधर से, आप सिंगल या डबल जो भी ग्राफ्टिंग करें, इसकी छाल आपको रूट स्टॉक और साइन की आपस में मिलनी चाहिए। फिर देखिए, हमें इस तरह से ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन स्ट्रिप की सहायता से आपको इसे एयर टाइट कर देना है, खींच खींच के बांधना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ढीला छोड़ने पर इसकी छाल सही ढंग से मिल नहीं पाएगी और रूट स्टॉक और साइन सही ढंग से संपर्क में ना आ पाने के कारण आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे बिल्कुल एयर टाइट आपको खींच खींच के ही बांधना है। देखिए इस तरह से, जो अन्य ग्राफ्टिंग करते हैं हम, वी ग्राफ्टिंग, उसमें इतनी तेज से हमें इसे खींच के नहीं बांधना पड़ता, मगर चूंकि यहाँ पर हम साइड ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, दो डिफरेंट वैरायटी ग्राफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको खींच के बांधना अनिवार्य है। यदि खींच के हम इसे नहीं बांधेंगे तो इसके बीच में गैप रह जाएगा और उस कारण से हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो फ्रेंड, पहली ग्राफ्टिंग हमने लगभग पूरी कर ली है। अब दूसरी ग्राफ्टिंग का तरीका आइए हम जान लेते हैं। दूसरी ग्राफ्टिंग हम यहाँ पर करेंगे, इस पर हम छाल कलम करने वाले हैं, तो तरीका आप भी जानें और अपनी मनपसंद वैरायटी बताई गई टेक्निक से आसानी से ग्राफ्ट करें और अपने गार्डन में लगाएं। देखिए इस तरह से। और यदि कोई भी सवाल या बात आपके मन में है जो आपके समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे टी का शेप बनेगा इंग्लिश के टी शब्द के आकार में और यहीं पे हमारी ग्राफ्टिंग साइन जो है वो फिट होगी। और यह चूंकि हम दो साइन यहाँ पे फिट करने वाले हैं, तो दोनों साइड यह काम करेंगे। आप सिंगल ग्राफ्टिंग यदि करना चाहें तो सिंगल ग्राफ्टिंग भी इसी प्रकार से कर सकते। तो फ्रेंड, दोनों साइड टी हम बना रहे हैं, तो एक साइड हमने बना ली है, दूसरी साइड भी बना लेते हैं और फिर इसकी छाल को ढीला हमें करना है। आपको इस स्थान पे ग्राफ्टिंग नाइफ की सहायता से इसकी लकड़ी से इसकी छाल को थोड़ा सा ढीला कर देना है और यहीं पे हमारी साइन फिट होगी। तो आइए हम इसके लिए भी साइन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसका तरीका भी लगभग समान ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर पिछली ग्राफ्टिंग से है और इसकी छाल को भी पिछली टेक्निक की तरह ही हमें छीलना है एक साइड से। जितना लंबा कट हमने लगाया है उतना ही लंबी साइन हमें छीलनी है और दूसरी साइड जब हम इसकी छाल छीलेंगे तो थोड़ा सा इसमें तरीका डिफरेंट रहता है। जब हम छाल कलम करते हैं तो उसकी पिछली छाल को हमें हल्का सा खुरचना होता है, देखिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यह छाल के संपर्क में आएगा और छाल हमारी अच्छे से संपर्क बना पाए रूट स्टॉक और साइन के साथ, ऐसा इसलिए करते हैं। तो इसमें सिर्फ छाल का ऊपरी आवरण ही आपको हटाना है, पूरी छाल नहीं हटानी है, देखिए इस तरीके से। और फिर इसे हम अपने रूट स्टॉक यानी कि जिस पर हम इसे ग्राफ्ट करने वाले हैं उस पर हम फिट करेंगे। तरीका आप देखें किस प्रकार से आपको फिट करनी है। ये देखिए, अब इसकी छाल को हल्का सा अलग करके और हम इसे इसके अंदर बिठा देंगे। इस प्रकार से छाल को हल्का अलग करके और चाकू की सहायता से आपको इसे दोनों साइड से इस तरह से हटाना है और जो साइन आपने प्रिपेयर की है उसे इसके अंदर फंसा के और ऊपर से नीचे की ओर धकेलना है इस तरह से, और यह अपने से बिल्कुल टाइट हो जाएगी इस तरीके से। तो दो साइन हमें इसमें फिट करनी है, तो दोनों साइड से हम साइन फिट कर लेते हैं। फिर इसको हम एयर टाइट करेंगे यानी कि पॉलीथीन स्ट्रिप या ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से हम इसे बांधेंगे। ये देखिए, दूसरी साइन भी प्रिपेयर है और दूसरी साइन को भी सेम टेक्निक से हमने यहाँ पर देखिए फंसा लिया है। अब हम इसे पॉलीथीन स्ट्रिप की सहायता से एयर टाइट करेंगे। पॉलीथीन स्ट्रिप की जगह आप ग्राफ्टिंग टेप का भी उपयोग कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग टेप महंगा पड़ता है क्योंकि इसे मार्केट से ख़रीदना पड़ता है और ये फ्री ऑफ कास्ट आपके घरों पे अवेलेबल रहती है। इसके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाल, पीली, काली, हरी किसी भी तरह की पॉलीथीन का उपयोग प्लास्टिक स्ट्रिप की रूप में कर सकते हैं। सिर्फ यह ध्यान देखना है कि वह थोड़ा मजबूत होनी चाहिए, खींचने से जल्दी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
फ्रेंड दूसरी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब फ्रेंड इस पर हम तीसरी ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। देखिए ये फर्स्ट ग्राफ्टिंग थी, अब इसके ऊपर हम दूसरी ग्राफ्टिंग हमने की, अब इसके तीसरी ग्राफ्टिंग जिसमें हम बड ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। और पिछले साल भी मैंने एक बड ग्राफ्टिंग की थी, उसे हमने कटहल के पौधे पर किया था और अब वह अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये देखिए यह एक साल पहले की गई कटहल के पौधे पर बड ग्राफ्टिंग है जो कि अब अच्छे से ग्रोथ कर रही है। अब सेम टेक्निक से हम मैंगो प्लांट पर बड ग्राफ्टिंग करने वाले हैं और तरीका आप देखें। कटहल के पौधे में अब अच्छी ग्रोथ हो रही है और जल्द ही यह पौधा बड़ा होकर फ्रूटिंग पे आएगा। देखिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे कटहल के पौधे में हो रही है और सेम टेक्निक हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं और तरीका आप भी देखें। वो दोनों साइड समानांतर कट लगा रहे हैं क्योंकि दो बड दो ग्राफ्टिंग हमें यहाँ पे करनी है, तो दोनों के लिए स्थान हमें प्रिपेयर करना है। देखिए दोनों साइड से हमने इस पर कट लगा लिया है। अब इसकी छाल ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगभग एक इंच के आसपास हम प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड बड की साइज के अनुसार आप इसकी ऊंचाई या स्थान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं लगभग एक इंच के आसपास इसकी छाल निकाल रहा हूं। आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड का उपयोग आपको नहीं करना है, वह सक्सेस होने के चांस उसमें कम रहते हैं। आपको लगभग एक इंच के आसपास की ही बड प्रिपेयर करके फिट करना है। दोनों साइड हमने इसके फंसाने के लिए स्थान छोड़ रखा है। फ्रेंड एक साइड हमने बड्स लगाने के लिए स्थान बना लिया है। अब सेम टेक्निक से हम दूसरी साइड भी, क्योंकि दो वैरायटी हम यहां पर बड्स लगा रहे हैं, तो दूसरी साइड भी सेम टेक्निक से बड्स लगाने के लिए स्थान बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने दोनों साइड इसकी बड्स को लगाने के लिए स्थान बना लिया है। अब हम इसकी बड को प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड जो बड्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर बिठाने के लिए, उसका साइज लगभग एक इंच के आसपास होना चाहिए। आप अंदाजे से या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा बड़ी बड्स आपको नहीं बिठानी है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए लगभग एक इंच के आसपास की बड मैंने प्रिपेयर कर ली है और जिस साइड आई बड है उसी साइड से हमें इसे 45 डिग्री के एंगल में छीलना है दोनों साइड से। किस तरह छीलना है देखिए आप, तो 45 से 50 डिग्री का एंगल आप अंदाजे से रख सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम ना करें। देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड से भी सेम टेक्निक हमें अपनानी है। और जैसा मैंने कहा कि चाकू जो है वो तेज़ धार वाला होना चाहिए जिससे शार्प कट लगे, इससे ग्राफ्टिंग हमारी अच्छे से सक्सेस होती है। तो देखिए बड्स हमारी प्रिपेयर हो गई है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बड है वो हमेशा आपको सीधी लगानी है, यानी कि उल्टी लगा देंगे यदि आप बड तो आपकी बड सूख जाएगी। तो देखिए इसका पिछला सिरा भी हमें छील लेना है इस तरह से, ताकि यह रूट स्टॉक और ग्राफ्टिंग बड हमारा आपस में संपर्क बना ले। और इसको हमेशा आपको सीधा करके ही लगाना है, उल्टा यदि लगाएंगे तो ये ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो इस तरीके से पकड़ के आपको इसके ऊपरी सिरे में आपको इस तरह से फंसा के ऊपर की ओर धक्का देना है। यदि कम लग रहा है कि स्थान कम है तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और इसको इस तरह से बड आपको फिट करनी है इस पर। और दूसरी साइड भी सेम टेक्निक से हम इसकी बड फिट कर लेते हैं, फिर हम इस पर पॉलीथीन स्ट्रिप की सहायता से इसको ग्राफ्ट करेंगे। तो देखिए दोनों बड हमारी फिट हो गई हैं। और जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूँ लगातार कि रूट स्टॉक और साइन का जो छाल है वह आपस में मिलना जरूर चाहिए एक साइड से, वरना इस पर फूड सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाएगी और जॉइंट सही ढंग से नहीं बन पाएगा और आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। देखिए इस तरीके से खींच खींच के बिल्कुल एयर टाइट आपको इसे बांधना है।
रूट स्टॉक और साइन की छाल आपस में मैच करती रहे, इस बात को ध्यान में रख के जहाँ पे बड्स निकलनी है आगे चल के न्यू ग्रोथ, उस पार्ट को छोड़ के आपको इसे एयर टाइट इस तरह से करना है। तो देखिए फ्रेंड, लगभग तीसरी ग्राफ्टिंग का तरीका जो है वह पूरा हो चुका है और अब इसके टॉप पे हम चौथी ग्राफ्टिंग, जिसमें हम दो डिफरेंट वैरायटी ग्राफ्ट करेंगे, उसका तरीका भी आप जानें। ये देखिए फर्स्ट ग्राफ्टिंग जो थी और दूसरी ग्राफ्टिंग और तीसरी ग्राफ्टिंग जिसमें हमने अभी बड बिठाई, अब इसके टॉप पे हमें दो वैरायटी ग्राफ्ट करनी है। तो जितने में सही हमारी साइन यानी कि कलम फिट हो पाए, वहाँ से अंदाजे से इसको बिल्कुल प्लेन आपको कट कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और कट करने के पश्चात फिर हम इसमें दो कट लगाएंगे। आप सिंगल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो एक कट, यहाँ पे हम डबल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं इसलिए हम दो कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। यह कार्य करते समय सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपकी जो रूट स्टॉक है उसकी छाल पूरी तरह से अलग हो सकती है या आपके हाथ में भी लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एक साइड से हमने इसको कट लगा दिया है, अब सेम कट हमें दूसरे साइड से भी इस पे लगाना है। तो देखिए दोनों कट्स हमने लगा लिए हैं दो साइड से। अब हम इस पे इसके लिए साइन आइए प्रिपेयर कर लेते हैं। साइन को आपको वी आकार में काटना है, छीलना है। देखिए जितनी लंबाई आपने कट लगाई है उतनी ही लंबाई आपको इस साइन की भी रखनी है, तो इसमें हम वी कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो कट आप लगा रहे हैं वह हमेशा प्लेन हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कट के उभर खाबड़ होने से आपकी ग्राफ्टिंग सही ढंग से संपर्क में नहीं आ पाती रूट स्टॉक और साइन, उसकी वजह से ग्राफ्टिंग अक्सर फेल होती हैं। तो देखिए इस तरह से आपको वी आकार में इसे छील लेना है और छीलने के पश्चात इसे अपने रूट स्टॉक पे फंसाना है इस तरीके से। और ग्राफ्टिंग के संबंध में कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इस तरीके से। तो लगभग 8 डिफरेंट वैरायटी, 4 अलग अलग तरीक़ों से एक ही रूट स्टॉक मैंगो प्लांट पे हम ग्राफ्ट कर चुके हैं। तो कोई भी तरीका जो आपको सरल लगे उस तरीके को अपना कर और आप आम के पौधे पर या किसी अन्य फ्रूटिंग प्लांट पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यह तरीके सभी तरह की फ्रूटिंग फ्लावरिंग और प्लांट के लिए सूटेबल रहते हैं। ये देखिए छाल हमेशा रूट स्टॉक और साइन की मिली हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रूट स्टॉक है और साइन उसकी छाल आपस में मैच करे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसके पश्चात आप इस पे पॉलीथीन या ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से इसको आपको रैप करना है, एयर टाइट कर देना है पूरी तरह से, और लास्ट में आपको इसको कवर करना है। कवर करने के लिए भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से कवर करना है। आप छोटी या बड़ी जितनी भी ग्राफ्टिंग आप करते हैं उसके हिसाब से आपको उसका कवर साइज छोटा बड़ा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक बड़े प्लांट पर 4 डिफरेंट तरीके से 8 अलग वैरायटी ग्राफ्ट की हैं, इसलिए हम इस पे बड़ी पॉलीथीन का कवर लगाएंगे और लगा के फिर उसको बांधना है ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट हो और आपकी ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेस हो और उस पे न्यू ग्रोथ जल्दी से जल्दी आए। और ग्राफ्टिंग करने के पश्चात आपको उसे छाया वाली जगह पर रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट तो आए लेकिन डायरेक्ट धूप उस पौधे पर या ग्राफ्टिंग पार्ट पे ना पड़े। तो फ्रेंड, ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है और अब हम इस पे कवर लगा के और फिर करीबन 15 से 20 दिनों के अंदर इसमें न्यू ग्रोथ आपको दिखाई देने लगेगी। और जब लगभग 1 इंच के आसपास की ग्रोथ इनमें हो जाए तो फिर आप इसका ऊपरी कवर हटा सकते हैं।
फिर तब भी आपको इसे सेमी सेट में ही रखना है। जैसे जैसे पत्तियाँ थोड़ा मजबूत होती चली जाएं, इसकी जो ग्राफ्टिंग से निकली हुई जो न्यू लीफ हैं वह कुछ मैच्योर हो जाएं, फिर उसके पश्चात आप धीरे धीरे इसे नॉर्मल वातावरण में धूप में भी रख सकते हैं। तो आगे भी आपको इसके सक्सेस रिजल्ट का अपडेट जल्दी से जल्दी मिलेगा। ये देखिए हमारी ग्राफ्टिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है फ्रेंड। अब हम इसे पॉलीथीन की सहायता से रैप कर देंगे और बांध के फिर छाया वाली जगह में ब्राइट लाइट जहाँ पे आए वहाँ पे रख देंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ मैंगो प्लांट पर 4 डिफरेंट तरीके से 8 अलग वैरायटी ग्राफ्ट करने का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।